दोस्तों बात है 20 जनवरी 2005 की। पन्ना आजमगढ़ में सर्दी का भारी प्रकोप था। पवई थाना क्षेत्र के बधाई गांव में रहने वाला संजय चौधरी खेतों की रखवाली के लिए रात को खेतों पर ही सोता था। उसके पिता मुलवा चौधरी भी खेत पर ही सोते थे, घर खेत के करीब ही थे। 8 जनवरी की रात को दोनों बाप बेटा खेत पर सोने चले गए थे, जबकि घर पर संजय की पत्नी मायाबाई और माँ कुसुम थी। सुबह को संजय की पत्नी मायाबाई ने उसे फ़ोन करके बताया कि थोड़ी देर पहले वह सोकर उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद मिला। मायाबाई ने उसे आगे बताया कि फ़ोन लगाने से पहले उसने सासू माँ को कई आवाज़ें दी थीं, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तब उसने उन्हें फ़ोन कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा दिशा मैदान चली गई हो, तुम इंतज़ार करो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, संजय बोला। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, आज तक वह बाहर से दरवाज़ा बंद करके कभी नहीं गई हैं। आप जल्द दरवाज़ा खोल दो, मायाबाई ने पति से कहा। पत्नी की बात सुनकर संजय घर पहुँच गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो माया बहुत घबराई हुई थी। संजय ने उससे पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं किसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद मियाँ बीबी दोनों माँ के कमरे में गए तो वह कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक दोनों ने उसके लौटने का इंतज़ार किया। काफ़ी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो संजय ने खेत पर जाकर पिता को यह जानकारी दी। मायाबाई भी खेत पर पहुँच गई थी। पत्नी के गायब होने की बात सुनकर मुलवा चौधरी भी परेशान हो गए थे। उनके एक खेत में अरहर की फसल खड़ी थी। मायाबाई पति के साथ जब उसी खेत के किनारे से जा रही थी तभी संजय की नज़र अरहर के खेत पर पड़ी, एक लाश पर गई। वह लाश के नज़दीक पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। लाश उसकी माँ कुसुम की ही थी। उसकी गर्दन के आसपास कई जगह कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे, खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। इससे लग रहा था किसी ने उसी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की है। संजय की चीख पुकार सुनकर पास के खेत में सो रहे किसान कन्हैयालाल और मांगीलाल भी आ गए। कुछ देर बाद संजय ने यह खबर डायल 100 को दे दी। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। डायल 100 के एक पुलिसकर्मी ने मामले की जानकारी पवई थाने के TI SP शुक्ला को दे दी। महिला की हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सिपाही संजय को साथ में लेकर घटनास्थल पर पहुँच गए। TI ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृत का कुसुम के शव से बहा खून अभी भी सूखा नहीं था। इससे TI समझ गए कि घटना सुबह हुई है। उन्होंने सोचा कि जब कुसुम दिशा मैदान के लिए खेत में आई होगी तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन शव के पास लोटा वगैरह नहीं था। सवाल यह उठा कि अगर कुसुम सौंच के लिए नहीं आई तो खेत पर सुबह सुबह क्यों आई। हत्या की खबर पाकर SP मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी मौका मुआयना किया। TI द्वारा पूछताछ करने पर कुसुम के पति मुलवा और बेटे संजय ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार भी कर दिया। संजय की पत्नी मायाबाई ने सारी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने उनके घर का मुआयना किया। पूछताछ करने पर TI को कुसुम के किसी परिचित पर ही हत्या का शक था, क्योंकि जिस कमरे में कुसुम सो रही थी वहाँ किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले थे। इससे लग रहा था कि कुसुम अपनी मर्जी से ही उठकर बाहर आई थी। मायाबाई के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किए जाने को लेकर TI का मानना था कि संभव है कुसुम के गांव के किसी आदमी से अवैध संबंध हो। उसका आशिक रात में कुसुम से मिलने घर आया होगा, कहीं बहू अपने कमरे से निकलकर सास के कमरे में ना आ जाए इसलिए उसने ही मायाबाई के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होगा। इसके बाद किसी बात को लेकर कुसुम का उसके प्रेमी से विवाद हुआ होगा, इसी के चलते उस व्यक्ति ने कुसुम की हत्या कर दी होगी। लेकिन 56 साल की कुसुम का प्रेम पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। फिर भी TI ने पुष्टि के लिए गांव में कुसुम के चाल चलन की जानकारी जुटानी शुरू की। इस जांच में कुसुम के बारे में तो नहीं लेकिन उसकी बहू मायाबाई के बारे में जानकारी निकल कर आई कि गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर माने जाने वाली मायाबाई का चाल चलन संदिग्ध था। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि मायाबाई का चक्कर पड़ोस में रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक हल्के चौधरी के साथ था। पुलिस पहले भी संजय की पत्नी मायाबाई से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बयानों में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा था, सिवाय इसके
कि बयान देते समय मायाबाई एक हाथ लंबा घूंघट निकाले रहती थी। इससे टीआई को लगा हो सकता है मायाबाई अपने चेहरे के भाव छुपाने के लिए घूंघट का सहारा लेती हो, इसलिए उसके बारे में नई जानकारी मिलने के बाद टीआई शुक्ला ने एक महिला पुलिसकर्मी को मायाबाई से पूछताछ करने को कहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसका घूंघट खुलवाकर उससे घटना वाली रात के बारे में कई सवाल पूछते हुए अचानक से पूछा, अच्छा यह बता हल्के तेरे पास कितने बजे आया था? हल्के का नाम सुनते ही मायाबाई का चेहरा बुझ गया। पहले तो वो शक पकाई, फिर बोली, कौन हल्के? वो मेरे पास क्यों आएगा? ज़्यादा सयानी मत बन, पुलिस को सारी बातें पता चल गई हैं। उस रात हल्के तुझसे मिलने आया था ना, इसलिए सीधे सीधे बता दे कि हल्के ने तेरी सास को क्यों मारा। देख तू सच सच बता दे तो पुलिस तुझे छोड़ देगी, वरना तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मायाबाई पुलिस की बातों में आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उस रात सास ने उसे उसके प्रेमी हल्के के साथ देख लिया था। इसके बाद हालात ऐसे बने कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में बहू के इश्क में सास के कत्ल की कहानी इस प्रकार सामने आई। कोई 5 साल पहले मायाबाई जब संजय के साथ ब्याह कर गांव में आई तब उसकी उम्र 21 साल की थी। पति के साथ कुछ समय तो उसके दिन अच्छे बीते, लेकिन बाद में संजय पत्नी के बजाय खेती पर ज़्यादा ध्यान लेने लगा। पत्नी की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए वह घर के बजाय रात को खेतों पर ही सोने लगा। ऐसे में मायाबाई की नज़रें पड़ोस में रहने वाले युवक हल्के चौधरी से लड़ गईं। वह मायाबाई से 2 साल छोटा था और उसे भौजी कहता था। गांव में मायाबाई के आते ही उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे थे, लेकिन उस वक्त हल्के इन सब बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी तो उसके मन में भी मायाबाई की खूबसूरती गुदगुदी करने लगी। मायाबाई के कच्चे मकान में कच्चा बाथरूम बाहर आंगन में था, जो हल्के के घर से साफ साफ दिखाई देता था। इसलिए 20 साल की उम्र तक आते आते जब हल्के के मन में जवानी की तरंगें उछाल मारने लगीं तो वह मायाबाई को नहाते हुए छिपकर देखने लगा। इसी बीच करीब साल भर पहले एक दिन नहा रही मायाबाई की नज़र हल्के पर पड़ गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि हल्के चौधरी की जवानी अंगड़ाई ले रही है। फिर मायाबाई के मन में भी चहल पहल होने लगी। अगले दिन वह चोरी छुपे ताका झाकी करने वाले हल्के को अपने रूप के और भी खुले दर्शन करवाने लगी। मायाबाई ने यह खेल हल्के के मन में आग लगाने के लिए खेला था, लेकिन धीरे धीरे उसे न केवल इस खेल में मजा आने लगा बल्कि हल्के के प्रति उसके मन में भी चाहत पैदा हो गई। हल्के का मायाबाई के घर आना जाना था, इसलिए जब भी हल्के मायाबाई के घर आता तो वह उससे हंसी मजाक करती, जिससे कुछ दिन में हल्के को समझ में आ गया कि मायाबाई उसके मन की बात समझ चुकी है। इसलिए एक दिन दोपहर में वह उस समय मायाबाई के घर पहुंचा जब वह घर पर अकेली थी। मायाबाई को भी ऐसे ही मौके का इंतजार था। उस रोज मायाबाई ने बातों बातों में हल्के से पूछ लिया, हल्के तुम मुझे यह बताओ तुम्हारी कोई प्रेमिका है? नहीं, हल्के ने जवाब दिया। क्यों, अभी तक क्यों नहीं बनाई? तुम्हारा मन तो होता होगा? मायाबाई ने पूछा। नहीं, हल्के ने झूठ बोल दिया। मन नहीं होता तो फिर छिपकर मुझे नहाते हुए क्यों देखते हो? मैं तो समझती थी कि मेरा देवर कई लड़कियों से दोस्ती कर चुका होगा, इसलिए अब मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है। मायाबाई मुस्कुराते हुए बोली, वो तो इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगती हो। कभी मेरी सुंदरता को पास से देखने का मन नहीं करता तुम्हारा? मायाबाई ने पूछा। करता है ना, लेकिन डर लगता है कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं, हल्के ने बताया। मैंने कब कहा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? अच्छा एक काम करो, अभी तो अम्मा खेत से आने वाली है, कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर देख लेना अपनी भाभी को एकदम पास से, और मन करे तो छू कर भी देखना। इतना कहकर मायाबाई ने नौसिखिए हल्के के गाल पर एक पप्पी देकर उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन हल्के चौधरी मायाबाई के घर पहुंच गया। उस समय घर में दोनों के अलावा कोई नहीं था। मायाबाई ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने हल्के को काम कला का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह उसका मुरीद बन गया। इसके बाद तो दोनों के बीच
हर दिन ऐसा होने लगा, जिसके चलते हल्के उसका ऐसा दीवाना हुआ कि हर दिन मायाबाई से अकेले में मिलकर प्यार करने की जिद करने लगा। लेकिन यह रोज रोज कैसे संभव हो पाता, इसलिए मायाबाई ने एक रास्ता निकाला। रात को जब उसका पति और ससुर खेत की रखवाली करने चले जाते तो सास के सो जाने के बाद आधी रात को वह अपने प्रेमी हल्के को कमरे में बुला लेती और फिर सुबह होने से पहले वापस भेज देती। 8 जनवरी 2020 की रात को भी यही हुआ। रात में संजय और उसके पिता मुलवा खेत में चले गए, फिर सास भी खाना खा पी कर गहरी नींद सो गई तो मायाबाई ने हल्के को बुला लिया। हल्के अब प्यार के खेल में काफ़ी होशियार हो चुका था। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि एक बिल्ली रसोई में घुस आई और उसने बर्तन गिरा दिए, जिसकी आवाज़ सुनकर मायाबाई की सास जाग पड़ी। उसी दौरान मायाबाई के मुंह से चीख निकली। सास ने उठकर चुपचाप बहू के कमरे में झांक कर देखा तो पड़ोसी हल्के के साथ बहू को अयासी करते देख उसकी आंखें फटी रह गईं। सास ने गुस्से में किवाड़ पर लात मारकर दरवाजा खोला और मायाबाई और हल्के को खूब खरी खोटी सुनाई। सास बहू की करतूत अपने बेटे को बताने के लिए रात में ही खेत पर जाने लगी। यह देखकर मायाबाई के हाथ पैर फूल गए। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर हल्के के हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि सास की कहानी खत्म कर दे, वरना उसके प्यार की कहानी खत्म हो जाएगी। हल्के के हाथ पैर कांपने लगे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर जा रही कुसुम की हत्या कर सके, लेकिन जब मायाबाई भी साथ हो गई तो दोनों ने पीछे से जाकर खेतों पर पहुंच चुकी कुसुम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह वहीं गिर गई। इसके बाद उसके शरीर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे कुसुम की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मायाबाई के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर हल्के चौधरी अपने घर चला गया। दोनों का भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पवई पुलिस ने 4 दिन में ही दोनों को कानून की ताकत का एहसास करवा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।